हेलो एवरीवन, मैं रूबी। वेलकम है रूबीज क्रिएटिव बालकनी गार्डन में। तो आज मैं दिखाऊंगी वो प्लांट जो बिना केयर के भी चल रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए संध्या मालती, कितना सुंदर फूल खिला हुआ है इसमें, और बिना केयर के ये चलता रहता है। ये हमारे घर पे लगा हुआ है, तो मैं अपने मम्मी के घर आई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ वीडियो बनाते हैं। हमने कुछ प्लांट का वीडियो बनाया है। तो ये देखिए सांध्या मालती, ये पीला कलर का है। सांध्या मालती पीला और पिंक होकर के फूल खिलता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। अभी खिला नहीं है, ये 4 o'clock के नाम से भी जाना जाता है, 4 बजे करीब खिलता है ये, तो अभी खिला नहीं है और मैं दोपहर में बना रही हूँ। और देखिए बिना पानी के भी चल रहा है ये, क्योंकि हम लोग शादी में बिजी हैं। और ये देखिए इलायची का प्लांट साथ में लगा हुआ है, ये जमीन पर लगा हुआ है। ये भी देखिए कैसे मुरझा गया है, कई दिन हो गए हैं पानी डाले हुए, पानी भी नहीं दे पा रहा है कोई। इधर सदाबहार, तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है सदाबहार, बिना केयर के चलता रहता है। और ये देखिए अमरूद का पेड़, इसमें अमरूद लगा हुआ है, छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, इसमें हमेशा अमरूद आता रहता है, तो मैंने इसको भी शेयर किया है आपके साथ। और ये हरसिंगार का पेड़ बहुत बड़ा है, ये जमीन में लगा हुआ है, पॉट में बहुत कम लगाया गया है प्लांट। पॉट और जमीन में बहुत अंतर हो जाता है, जमीन पर बिना केयर के भी प्लांट चलते रहते हैं। और ये देखिए मेहंदी का प्लांट, मेहंदी का भी प्लांट बहुत बड़ा है। और बहुत अच्छा होता है हमारे बाल के लिए। गर्मियों में तो बहुत अच्छा होता है बालों में लगाने के लिए। और इसके साथ गिलोय भी लगा हुआ है, ये बीज बन चुका है मेहंदी में। और ये देखिए इसी में गिलोय लगाया गया है साथ के साथ, इसी पे कवर कर रहा है ये, बहुत बड़ा प्लांट है मेहंदी का। और इधर सामने अनार का पेड़ है, और ये देखिए चकुत्रे, चकुत्रे भी बहुत सारे लगे हुए हैं इसमें। धूप की वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है। तो ये देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है, बहुत सारे लगे हुए हैं चकुत्रे। ये नवंबर के टाइम में पक जाता है, अभी तो कच्चा है, अभी बहुत बड़ा होगा। और इधर देखिए ये टमाटर का प्लांट, कुछ हटा दिया गया है, थोड़ा सा है अभी इधर, तो आज मैं टमाटर खाने वाली हूँ पका हुआ तोड़ करके। मुझे मिल गया है एक टमाटर पका हुआ, इसको तोड़ लेंगे। बिल्कुल घर का शुद्ध ऑर्गेनिक टमाटर, कई सारे पके हुए हैं पर एक मैं तोड़ के कभी खाऊंगी। ये देखिए अनार, अनार कच्चा है अभी। प्लांट तो बहुत सारे लगाया गया है पर मैं वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पाऊंगी। और इधर देखिए मिर्च लगा हुआ है, मिर्च में भी फूल आ रहे हैं और मिर्च भी लगा हुआ है। तो अपने जरूरत भर का मिर्च भी लगाया गया है। इधर तोरी लगाया गया है, तोरी में भी फल बनने लगा है, छोटे छोटे तोरी लगे हुए हैं।
ज़मीन पे अच्छे हो जाते हैं, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और इधर देखिए नींबू का प्लांट, नींबू भी खूब लगा हुआ है इसमें, पर अभी कच्चा है, अभी लगेगा टाइम, 2 महीना टाइम लग जाएगा इसको पकने में। और इधर देखिए अरबी, अरबी का प्लांट लगाया गया है। तो ये सब प्लांट ज़्यादा केयर नहीं मांगता है और चलता रहता है, ज़मीन पे लगा दो बस, पानी का ध्यान रखा जाता है तो चलते रहते हैं ये सब प्लांट। ये नींबू हमेशा इसमें फल बना रहता है नींबू के प्लांट में। जब पकने वाला होगा तो फिर से फूल आ जाएगा इसमें और फल बनेगा। और ये है बेल का पेड़। तो ये सारे प्लांट बिना केयर के चल रहे हैं, अभी मई का महीना चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जब तक के लिए गुड बाय।